जी हेलो सर, हम इंडियन टीवी से आए हैं। तो सर जो टीवी पे प्रोग्राम आता है ना दो हंसों का जोड़ा, उसके हम होस्ट हैं सर। और हम लोग सर आपस में पति पत्नी हैं। तो सर आपकी बीवी का इंटरव्यू लेने आए हैं। वो बोल नहीं सकती। परिमल कौन है? कौन है सर? आप तो कह रहे थे कि मैडम बोल नहीं सकती। क्या मैं बोल नहीं सकती परिमल? अरे चकड़ी, जब तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार ऐसे उभर उभर के निकलता है ना, तब तुम्हारे शब्द चुप हो जाते हैं। ऐसे बोल नहीं सकती। ऐसे कौन है? ये तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। अच्छा, आइए ना अंदर आइए। ठीक लग रही हो ना? की तारीख में आइए मिलते हैं ऐसे लकी वाइफ से जिनके पति संडे को ठीक 10 बजे उन्हें सोने से तोलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं परिमल जी आप क्या करते हैं। बेवकूफी मतलब अपनी पति की पत्नी की डिमांड पूरी करता हूँ। वाओ सो रोमांटिक। आप पूरी करते हैं कोई डिमांड? अभी इन पे ध्यान दे, अपनी रात की लड़ाई बाद में कंटिन्यू करते हैं। ओह, यहाँ तो आग पहले से ही लगी हुई है, थोड़ा सा घी डालने की जरूरत है। तो रूपल जी, हाँ जी, आपके पति शुरू से ही इतने रोमांटिक है? नहीं नहीं, पहले रोमांटिक नहीं थे, बाद में बन गए रोमांटिक। क्या है, हर पति को अलग अलग किस्म के मापदंड में से गुजरना पड़ता है एक कामयाब सक्सेसफुल रोमांटिक हस्बैंड बनने के लिए। चकुड़ा डा 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 डा। सो रोमांटिक। इनके लिए जरा पानी तो ले आओ। हंसों का जोड़ा का गला सूख गया है। मैं लेकर आती हूँ पानी आपके लिए। हाँ परिमल जी, अब बातें बड़ी अच्छी करते हैं। करनी पड़ती है, पत्नी के चेहरे पे मुस्कुराहट कायम रखने के लिए अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें करनी पड़ती है ना। हैं? आप तो करते होंगे, आपके तो चेहरे से ही छलक रहा है रोमांस। हैं? ये कहाँ है रोमांटिक? नहीं, अरे ऐसे कैसे चलेगा, होना चाहिए ना रोमांटिक। कितने समझदार हैं आप। नो डाउट आप अपनी पत्नी को सोने से तोड़ रहे हैं, वरना कोई पति होते हैं जो पत्नी के लिए लिपस्टिक भी नहीं लेके आते। अरे लिपस्टिक भी नहीं? अरे अरे अरे, एक लिपस्टिक में तुम्हारा होगा क्या? अरे अरे, दीवार पर जितनी पेंट लगती है ना उतना पाउडर तुम्हारे चेहरे पर लग जाता है। अच्छा तो तुम ही करो इंटरव्यू, पकड़ो अपना मन। सुधा गई, आपकी वजह से कईयों के घर में आग लग जाएगी और उसका धुआं आपके घर से निकलेगा। क्या बात कर रहे हो? अरे कैमरा कैमरा उठाओ उठाओ, शाबाश। अरे 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 परिमल, कहाँ गए ये लोग? गए, उड़ गए, हंसों का जोड़ा उड़ गया, दूसरी जगह पे इंटरव्यू करने जाना था उनको। ये यहाँ पे रखती हूँ और हाँ ये पहले परोसती। अरे बाप रे, ये क्या चकुड़ी, पूरी सोसाइटी को खाना खाने के लिए बुलाया? नहीं नहीं परिमल भाई जी, सिर्फ रूपल भाभी के लिए, उनके पापा ने ये सब कुछ भेजा है। मेरे लिए? हाँ भाभी। बाप रे। हाँ हाँ, बैठिए आप, बैठिए यहाँ पे, मैं आपको परोसती हूँ। फोन 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 फोन, किसी का तो फोन है। अरे हेलो आंटी जी, पाई लगू पाई लगू। हाँ हाँ हाँ, रूपल भाभी के लिए मैंने अब भी खाना परोसा है, थाली लगाई भी है। एक मिनट एक मिनट, पापा ये सब खाना खा लेना बेटा। हाँ पापा खा लूंगी, लेकिन अभी क्या है ना, जस्ट खा के उठी हूँ, थोड़े टाइम के बाद खा लेती हूँ। सिर्फ 2-3 दिन की बात है, अरे जितना वजन बढ़ेगा उतना सोना ज्यादा मिलेगा। अगर खाने में कुछ बच जाए ना तो मेरे प्यारे परिमल कुमार को भी खिला देना। बहु बहु आभार। सो स्वीट पापा। एक एक ग्राम बढ़ने पर महीनों डाइटिंग करने वाली लालची चकुड़ी,
आज सोने की लालच में देखो ठूस ठूस के खाए जा रही है। प्योर घी में खाना बना बना कर मैं ही तुझे भेजूंगी। जिस दिन सोने से तोड़ने वाले है ना, उस दिन लोगों को पता चलना चाहिए कि तू खाते पीते घर के है। जय श्री कृष्ण पप्पा। लीजिए अभी ना मैं आपको लीजिए। अरे बस 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 विनंती, तबियत खराब हो जाएगी चकुड़ी की। चुप करो, पप्पा ने बोला है ना, लगा तू। क्या बोला है लेकिन? परिमल बाबू, बाबू बाबू ये देखो कितना सारा खाना है। ला ला ला, खाओ खाओ खाओ, सब खा जाओ, सब खा जाओ। अरे खा तो आप मेरी किस्मत गए। आपको पता है आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। तो थैंक यू बोलो बाबू, फिर से मैंने तुम्हें मुसीबत से बचाया। ये लो, इसी खुशी में जलेबी खाओ। नहीं मुझे मत भटकाओ। अरे तू तो पहले से भटका हुआ है, तुझे और क्या भटकाऊंगा, ला ना। खा खा खा। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं चाहिए उसे परिमल। आपको पता है आपकी वजह से वो चली गई। उसने मुझसे कहा कि जब तक सोने में नहीं तोलोगे मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी। ओहो बाबू, बाप रे गोल्डी, अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, इतनी लालची औरत है। कुछ तो खा ले। नहीं, आपकी वजह से वो गई है। परिमल देसाई, मैं आपको देख लूंगा। खाने को देख बाबू। नहीं देखना मुझे खाने को। देख देख। नहीं देखना। अरे गोल्डी, आप परिमल हो ना जो अपनी पत्नी को सोने से तोलने वाले हो। तुम रूपल को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो, मैंने अपनी फोटो भी भेजी है। ओ हेलो, अगर दोबारा इस नंबर पर फोन किया ना तो उसी फोटो पर हार लगाने की नौबत आ जाएगी, समझी तुम? वाईडी फोन रख। बोलता चकुड़ी, ठीक हो भैया तौरत। भैया तौरत, सुनो अगर दोबारा इस औरत ने फोन किया ना तुम्हें तो 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 बाथरूम में, समझे? अरे कमाल है, ये औरत फोन करेगी तो मैं बाथरूम में क्यों जाऊं? लेकिन भाभी खाना। रहने दे रहने दे, अंदर लेकर आ, मैं अंदर ही खाऊंगी। अरे तुम्हारे और गरीब चंद की वजह से मेरी जिंदगी में भी इतनी प्रॉब्लम आ गई। भाई कम से कम आप तो ताना मत मारो, ये मुसीबतों से थक गया हूँ भाई। क्या है? सोने पे तोलने वाला ना? चला तेरे वजह से घर बर्बाद हो। अरे कौन कौन हो भाई? अपन को नहीं पहचानता तू? अपन इस अखा एरिया का डॉन है, डॉन। अभी आपको क्या चाहिए मुझसे? 70 किलो सोना। तेरी वजह से अपने बीबी ने अपनी जिंदगी हराम करके रख दिया। हर रोज अपन को बोलती है कि सोने से तोलो, सोने से तोलो। अरे धंधे की बात लग गई यार, सोने से कैसे तोलेगा? बराबर है भाई। अरे शाने ज्यादा बोल मत, चुपचाप 70 किलो सोना निकाल, नहीं तो हमेशा के लिए सोने के लिए तैयार हो जा। चल निकाल। मार डालो, मार डालो मुझे, मार डालो, कम से कम इस झंझट से छुटकारा तो मिलेगा। अरे परिमल क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ भूपी भाई मैं पागल हो गया हूँ। मार डालो इस पागल को, मार डालो। क्या कसूर है मेरा? यही ना कि मैं एक अबला पति हूँ, बस। तुम छोड़ दोगे तो मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी। मारो मार। अरे बस बस बस, तुम दोनों पागल हो गए क्या? पागल हो गए हम? पागल? शादी के बाद आदमी पागल ही हो जाता है। ये बात तो सही बोली तुमने। जब खुद इतने दुखी हो तो अपने आप को गोली क्यों नहीं मार लेते? क्या फायदा ऐसी दुखी जिंदगी जीने का? और नहीं तो क्या, जिसमें डॉन होते हुए भी गुलामी करनी पड़े, बंदूक लेके भी डर डर के जीना पड़े। हाँ, पुलिस को कम और बीवी को ज्यादा हाजिरी देनी पड़े, उस गुनाह की सजा मिले जो तुमने किया ही ना हो। सोशल मीडिया में हर जगह छाई हुई है। और
रही है आज तो। अच्छा हाँ, और ये देखो जो हर जगह रूपल आंटी की फोटो लगी है, हर जगह। That's so cool ना। जल्दी परिमल की फोटो दीवार पे लगने वाली है। चिंकी जल्दी से मुझे दिखा दिखा दिखा। देखो हाय कितनी सोनी लग रही है। बहुत क्यूट। ये है ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के पीछे स्टोर रूम, स्टोर रूम के बगल में वॉशरूम। यहाँ से अगर मुझ पर हमला हुआ तो स्टोर रूम के छोटे दरवाजे से मैं बाहर जा सकता हूँ। ये रहा बेडरूम, बेडरूम में इस तरफ से अगर हमला हुआ तो हाँ, तो वॉशरूम में से उसकी विंडो से नीचे। अरे क्या नीचे, छह माले से नीचे जाएगा तो सीधा ऊपर जाएगा बिमल। परिमल परिमल, अगले हफ्ते तक सोना नहीं आया तो रूपल और उसका पप्पा मेरा गोल गप्पा पप्पा डप्पा झप पता नहीं क्या बना देंगे। तेरे परिमल चाचू ना बहुत ब्रेव है, उसको सोने से तोल रहे हैं। मम्मी हाँ? मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग ना रूपल आंटी के साथ जाके सेल्फी लेके आते हैं। अरे वेरी नाइस आइडिया, चल 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 चल। ये औरतों को सेल्फी और सोना लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। अभी कौन है? भाभी आया। अरे आप वहाँ क्या खड़े हो, आपने तो गोल्ड में तोलने की प्रॉमिस की है। आ जाइए आ जाइए। अरे आ जाओ आ जाओ, रूपल के पास, रूपल के पास, चल चल जल्दी जल्दी। चिप आउट। अच्छा ओके। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अपलोड कर देती हूँ। जल्दी 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 अपलोड कर देना। मम्मी आज मैं इतनी खुश हूँ, मतलब मैं इतनी खुश हूँ। अरे मम्मी 40 सेकंड्स में 40 लाइक्स आ गए। अरे रूपल ओए ओए, वाह जी वाह, तेरे तो लग गए टोटल। आले मारो दिक्को, खा खा खा। बस बाबा बस, अब तो खा खा के पेट छोड़ो, जबड़ा भी दुखने लगा है। बेटा जबड़े को समझा, बस दो ही लड्डू बचे। देख ऐसे वक्त में खुद का ख्याल रखना पड़ता है। ले बेटा खा। बस बस। नहीं मेरा मतलब है मतलब दो लड्डू और। बस दो। आकर 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 बेटा आ। ए भाभी आपने खाया ही क्या है? मेरा भेजा। भेजा जो आपने इतना सारा खाना, वो गपागप कब से खा रही है? भेजा नहीं है, हम खुद प्यार से बनाकर लेके आए हैं। हमारा प्यार है प्यार। प्यार की आवाज आ गई। बस बस अभी पापा। हाँ, अरे वाह डकार आई, इसका मतलब पहले के खाना हजम हो गया, अब जगह बन गई है। ले बेटा दूसरा खा। अरे देखो ना आंटी जी, रूपल भाभी अपना ना ख्याल ही नहीं रखती है। लो पकड़ पकड़ पकड़। भाभी लो, भाभी लो, उठो। हाँ क्या है बेटा, थोड़े देर में ये सब खा के आराम करना, थोड़े देर में मैं वापस दूसरा खाना लेके आती हूँ। चलो चलो चलो। अरे नीतू। अरे गीतू। हाँ बोल बोल, मैं चंगी यार, तू कैसी? तू है, मेरी भी बात कराओ। क्या बात कर रही है, रूपल की बात तुझे वहां तक पता चल गई? अच्छा अच्छा है बुक पे। हाँ हाँ, नेक्स्ट संडे परिमल भाई साहब रूपल को सोने से तोलने वाले हैं। ला ला ला, मेरी बात करो। हाँ हाँ, अरे परिमल भाई साहब बहुत प्यार करते हैं रूपल से। परिमल से भी तो पूछ के देख लो। जी? नहीं कुछ नहीं, तुम बात करो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं तोल रहे तेरे जीजू सोने में। प्यार तो बहुत करते हैं। और तू बता वहाँ सब कैसे हैं? और कैसे होंगे, वैसे ही नक चढ़े होंगे। अरे रूपल के नसीब में इतना सोना लिखा था तो उसको मिल गया, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। चल छोड़, तू तेरे जीजू से बात कर। अरे रूपल रूपल, अरे रुक ना रूपल, रूपल रुक तो। जब से पति ने
सोने में तोलने की बात की है, इसके तो हाव भाव बदल गए, है ना टीना? तो क्या शीना, अरे पैसा आता है इंसान इतना बदल जाता है ना शीना? तो क्या टीना? रूपल, ए रूपल, क्या बात है? अब ये क्या बोलेगी, अब तो इसका पैसा ही बोलेगा, है ना टीना? तो क्या शीना? अयो आजकल ज्यादा ही भाव खा रही है। भाव के साथ साथ बहुत कुछ खा रही है ये, देख तो इसका वजन कितना बढ़ गया है ना टीना? तो क्या शीना? अरे बोल ना, बोलती क्यों बंद हो गई? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अयो अब तुम हमारे साथ ऐसा बात करेगी, देखो। सोने के साथ साथ लगता है इसका भाव भी चढ़ गया। सोना आया भी नहीं और दोस्तों को भी भूल गई, है ना शीना? तो क्या टीना? क्या हो गया इन लोगों को? गुड आफ्टरनून रूपल भाभी जी। अरे वाह, आज तक तुम्हें सिर्फ होली और दिवाली को विश करते हुए सुना था, आज पहली बार गुड आफ्टरनून सुन रही हूँ मैं। आई भाभी जी, आपको मैं लिफ्ट तक छोड़ देता हूँ, चलिए। अरे हाँ, लिफ्ट का रास्ता तो मैं भूल ही गई थी ना। चलो आइए रूपल भाभी, आइए आइए आइए। ए ए हटो हटो, पहले मैडम को जाने दो। हाँ, किसको बोलता है रिस्पेक्टलेस? सॉरी सर, पीछे से आपको मैं पहचान ही नहीं पाया। तो ठीक से पहचान, वरना क्या होगा, जॉबलेस। अभी जी आप चलिए। थैंक यू। चलिए। ए तो रुकना मत, चल। ए रुक गया। अरे रुक। भाभी जी आप पहले ही इतना चमक रही है। थैंक यू। फिर क्या जरूरत है सोने से तोलने की? देखिए कुलकर्णी जी, इसमें मैं कहाँ, मेरे पति मुझे सोने से तोलना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी जी आप अपने आप को सोने में मत तुलवाइए। कुलकर्णी जी, कुलकर्णी जी क्या कर रहे हो आप? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए आप ऐसे हाथ मत जोड़िए प्लीज। क्या है ना भाभी जी, मैं अपनी बीवी को सोना लाने के लिए और पैसे नहीं दे सकता, पहले ही 2 लाख दे चुका हूँ मैं। आप परिमल को सोना लाने के लिए मना कर देना, वरना मेरी दूसरी बीवी भी भाग जाएगी। क्या वाइफलेस, लाइफलेस। हाँ, और मैं आपका मेंटेनेंस भी माफ कर सकता हूँ। देखिए कुलकर्णी जी आप समझ नहीं रहे, मुझे सोने की कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरे पति ने वादा दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का वादा अधूरा रह जाए, देखो मेरे पति की दुनिया के सामने बेइज्जती हो जाए, अंडरस्टैंड? देखो मैं परिमल से कहना मेंटेनेंस टाइम पे भरना है, केयरलेस। कल रात को मुझे सपना आया था, तेरे जीजू ना मुझे पूरी सोसाइटी के सामने सोने में तोल रहे हैं। और तुझे पता है तराजू में ना सोना डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, और मेरी तरफ का तराजू उठ ही नहीं रहा। इतना सोना तो लंका में नहीं होगा जितना कि इन औरतों ने लूटने का प्लान बनाया होगा। एक औरत होने के नाते अपने पति के लिए सजदा सवरना ही है, ये हमारा फर्ज है। ये देख, अपने शौक का बिल जो है मेरे नाम पे फाड़ रही, ये सब फसाद की जड़ वो गरीब चंद और लुल्लू पुप्पू है। और क्या बेचू, डाइनिंग टेबल, खाना तो कहीं पर भी बैठ के खा सकते हैं, डाइनिंग टेबल गया। रेडियो, रेडियो भी गया, रूपल की आवाज के सामने रेडियो की आवाज सुनाई कहाँ देती है। टीवी, टीवी भी गया, मो न्यूज मैं मोबाइल पे देख लूंगा। हाँ ठीक है, इतने से मेरा क्या होगा, रूपल के पापा और बापूजी दोनों इधर आ गए तो खलास, सारे शेयर्स बेच देता हूँ। हेलो मनसुख भाई। अरे मनसुख ना, धनसुख, धनसुख भाई बोलो जो परिमल। हाँ भाई, धन का सुख आपके पास ही है। अरे काहे का सुख, सब सुख चैन छिन गया है, वो भी तेरी वजह से परिमल। मेरी वजह से? मतलब आपको भी पता लग ही गया? ए भाई मैं मंगल ग्रह में नहीं रहता हूँ, इसी दुनिया में रहता हूँ, सबको पता चल गया तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। पता चल गया है तो उसका कुछ करो, मेरी मदद करो, ये शेयर्स बेच के दो मुझे प्लीज। पहले तूने अपनी बुद्धि बेच दे, अब शेयर बेचना? अरे पर जरूरत क्या थी ये कांड करने की? भी सुना ना बंद करो, मुझे मेरी बीवी को सोने में तोलना है, आपको नहीं, जो बोला है वो करो ना, शेयर्स बेच के दो ना प्लीज। अरे तेरी वजह से मेरी बीवी भी सोने की जिद करके बैठ गई है, मैं
तेरे एक भी शेयर नहीं बेचूंगा। हेलो 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 मनसुख भाई, हेलो। कोई बात नहीं मनसुख, मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जाके शेयर्स बेचूंगा। ये इंटरनेट को क्या हो गया? हाँ योगेश भाई, ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? अब कुछ नहीं चलेगा, तेरे कारण मेरी बीवी मुझसे सोना मांग रही है। लगता है अभी किडनी बेचनी पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.